सही और सटीक जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल एके ईयर को और बेल आइकन को दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं ओनी सर, आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किसी भी रिमोट को, जैसे कार का हो या टीवी को हो या थ्री डिस्क का हो, उसको अपने एयरटेल के डीटीएच में रिमोट में किस तरह से फिट करें। ठीक है, तो फिट करने के बाद ये नहीं है कि मैं इसका बॉडी में फिट कर दूंगा, इसका मतलब है कि मैं इसका जो डाटा फ्रीक्वेंसी है इसको मैं इसमें अटैच करूंगा। ठीक है, जिससे मैं टीवी भी ऑन कर सकता हूँ, गाड़ी हो या कुछ भी हो सके। ठीक है, इससे पहले हम बता दूं, पहले जो रिमोट आता था उसमें ये देखिए ऊपर लाइट इधर लगा हुआ है, इससे जो फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफर की जाती थी सिर्फ। ठीक है, और डीवीडी या वीसीडी या टीवी में से रिसीव किया जाता था। ठीक है, जबकि ये एयरटेल का नया रिमोट जो बनाया गया है, इसमें क्या किया गया है, इसमें डाटा ट्रांसफर और रिसीवर दोनों बनाया गया है, जिससे हम इसमें डाटा को प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह करना है चलिए मैं बताता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। इसको क्या करना है, इसको रिमोट को और इस रिमोट को 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। ठीक है, और क्या करना है, हमें ओके और दो बटन का एयरटेल का रिमोट को दोनों को एक साथ दबाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते, दबाते हैं। ये देखिए लाइट जलेगा। ठीक है, एक बार दो बार, अब ये प्रोग्राम के लिए तैयार है। ठीक है, इसे जल्दी से कीजिएगा, नहीं तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 3 बार लाइट जला के इसे बंद कर देगा, जिससे कहेगा ये प्रोग्राम के लायक नहीं है, गलती से टिप किया गया, देखिए बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए ये जल्दी से करना है हमें प्रोग्राम। ठीक है, तो ओके और दो को दबाते हैं, चलिए। ठीक है, ठीक है, अब ये प्रोग्राम के लिए हो गया है। अब जल्दी से मैं टीवी ओके करता हूँ, जो बटन प्रोग्राम करना है। ठीक है, मुझे ये बटन प्रोग्राम करना है, तो मैं टीवी टिपा और यहाँ से मैं ट्रांसफर होगा कौन सा बटन है मेरा टीवी का। ठीक है, मैं यहाँ से ट्रांसफर किया और यहाँ देखिए रिसीव कर लिया, लाइट जला। ठीक है, और फिर मुझे बटन एक ए वी का करना है। ठीक है, मैं इसे रिसीव करूँगा। ठीक है, और हमें टीवी का जो ए वी है उसको क्लिक करूँगा, ये देखिए मेरा ये भी रिसीव करेगा यहाँ पे। ठीक है, ये भी रिसीव कर लिया। अगर आपका वॉल्यूम करना है वॉल्यूम कर सकते हैं, चैनल करना है चैनल कर सकते हैं, लेकिन एक बात और जरूरी याद रखिएगा, अगर आप इससे जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं इस बटन में, इसमें स्पेशली दिया गया है टीवी और ए भी, जिससे आप टीवी पे तो कर ही सकते हैं। ठीक है, और ओके कर दीजिए। ठीक है, अगर आप इन दोनों को चैनल या वॉल्यूम को कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेगा, ये फ्रीक्वेंसी जो बटन छोड़ेगा वो सिर्फ आपके टीवी में काम करेगा, ना कि डीटीएच में। ठीक है, तो इस दोनों के लिए ठीक है। अगर आप वॉल्यूम करते हैं तो वॉल्यूम के लिए आपको टीवी में काम करेगा, जबकि डीटीएच में ही काम करेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपका बटन कोई गलत टिपा जाता है, ठीक है, उसे भी रिसेट करने का एक तरीका है, जो आप नया न्यू रिमोट बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको मैं वीडियो बना दूंगा अलग से। इस वीडियो में यही जानते हैं किस तरह से हम रिमोट को कन्वर्ट करते हैं अपने एयरटेल डिश टीवी के रिमोट में। ठीक है, तो मैं टीवी का रिमोट अपना डिश टीवी में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो चलिए एक बार ट्राई भी कर लेते हैं। ठीक है, प्रोग्राम करने के बाद चलिए हम ट्राई करते हैं रिमोट को। ठीक है, ये मेरा रिमोट रहा, इसे मैंने इसे ऑन ऑफ करने के लिए बनाया है और इसे ए बी के लिए बनाया है। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले ए बी को ट्राई करते हैं, ए बी देखते हैं काम करता है कि नहीं। ठीक है, ये देखिए ये भी काम कर गया। ठीक है, मैं फिर से क्लिक करता हूँ, ये देखिए काम कर गया। ये देखा मैंने एयरटेल का रिमोट को ओनिडा के रिमोट में, टीवी के रिमोट में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, और मैं ये टिपूंगा तो ऑफ हो जाएगा, देखते हैं ट्राई करके। ये देखिए मेरा टीवी पूरी तरह से ऑफ हो गया है, अब मैं फिर से चाहता हूँ इसे ऑन करने के लिए। ठीक है, मैं इसी को टिपता हूँ। ठीक है, ऑन हो गया मेरा टीवी, तो देखिए टीवी ऑन हो चुका है। ठीक है, आप भी प्रोग्राम कर सकते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिंदास मुझसे पूछिए। ठीक है, तो ठीक है, याद रखिए एक बार मैं रिवीजन कर दूंगा, इसे 3 सेंटीमीटर दूरी पर रखना है, ओके और दो का बटन एक साथ दबाना है। ठीक है, ये दो बार लाइट जलेगा। ठीक है, इसके बाद ये डायरेक्ट हो जाएगा, उसे हमें जल्दी से जो बटन को प्रोग्राम करना, जैसे टीवी वाला जो टीवी को टिपेंगे, और हमें जो रिमोट में जो जैसे ओपन करना है या जो करना है वो टिपेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, मैं टीवी ऑन करने के लिए टिप रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से ओके करूँगा, ओपन करूँगा। ठीक है, यहाँ डाटा रिसीव करेगा। ठीक है, रिसीव कर लिया, फिर मैं ए भी जैसे करता हूँ ए भी को। ठीक है, तो यहीं भी
जैसे मेरा टीवी का ये भी इससे आता है, ठीक है भैया रिसीव कर, ये भी रिसीव कर लिया। जैसे मुझे मट करना है टीवी का, यहाँ से जो मट पे क्लिक करूँगा और इसमें जो मट है जहाँ पे वो मट पे क्लिक करूँगा, ठीक है यहाँ मट है मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है डाटा रिसीव कर लिया। ये सब करने के बाद हम यहाँ ओके भी दबा दूँगा, ये देखिए ओके दबा दिया, याद रखिए ठीक है। ठीक है ये जो है रिमोट, इसमें फ्रीक्वेंसी एक लिमिट होता है। अगर आपका रिमोट कार का हो या बैग का, तो उसमें फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहिए, या ज़्यादा होगा तो इसे रिसीव नहीं कर पाए, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जब वीडियो देखेंगे तो आपके सामने टीवी तो नहीं होगा, ठीक है। तो टीवी के सामने आप वीडियो को आप देख के आप किस तरह करना है वो सीख सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप मुझे बिंदास कोई क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए और मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से आपको सही से करना है। सही और सटीक जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल एके ईयर को और बेल आइकन को दबाएं नोटिफिकेशन के लिए।